अन्नी अमृता का रुख करेंगे जो कि जमशेदपुर के बारातवारी से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। अन्नी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कह रही हैं यहाँ की महिलाएं। देखिए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं, उनसे ही हम बात करते हैं, वो खुद बताएंगी कि कैसे उनके लाइफ पे असर पड़ा है। क्या नोटबंदी ने बदला है आपके जीवन को, क्या दिक्कतें आई, क्या अच्छा रहा? मैं अगर प्रॉब्लम्स के बारे में बोलूं तो स्टार्टिंग में हुई थी थोड़ी मुश्किलें, हमने थोड़ा फेस किया कि एटीएम के बाहर में लंबी लंबी लाइन लगाना, लिमिटेशन रखना कि मैं कितना विड्रॉ कर सकती हूँ, कितना विड्रॉ नहीं कर सकती हूँ, थोड़ी दिक्कतें आई। लेकिन अगर हम एक सच्चे नागरिक की तरह से सोचें तो इसमें हमारे दो फायदे हैं। नंबर वन जो है, हमारे देश लेवल पे करप्शन को हटाने की जो मोदी जी की ये छिड़ी है ये जंग, मैं उसका समर्थन करती हूँ। तो कहीं पे देख रही हूँ कि मैं अपने देश से करप्शन हटाने के लिए मैं अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ। और सेकंड जो पर्सनल लेवल पे है, जो एक होता है चॉकलेट आंदोलन चलता है, हर दुकान में आप जाओ कुछ भी खरीदो, 5 रुपये के झुट्टे नहीं है चॉकलेट ले लो, 1 रुपये नहीं है आप ये रख लो। अगर हम कैशलेस हो जाए इसके हेल्प से, डीमोनिटाइजेशन के हेल्प से, तो हर एक आदमी को बहुत सारे फायदे होंगे। तो मैं जानती हूँ कि थोड़ी मुश्किलें आएंगी, तो उन मुश्किलों को पार करके हम आगे जाके ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। एंड मैं मोदी जी को पूरा समर्थन करती हूँ। आप चलाती है, बुटीक चलाती है, बिजनेस वुमेन है, यहाँ बहुत सारी बिजनेस वुमेन खड़ी है, और उनको क्या दिक्कत है, आपको क्या दिक्कत है, क्या अब आपका काम चल रहा है? शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम्स हुआ कस्टमर्स को भी और हमें भी, लेकिन आई थिंक वो थोड़ी देर का फेस था, जिसमें चूँकि फर्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम से आप फेस करें तो थोड़ा ज़्यादा आप हड़बड़ा जाते हैं। बट अब बहुत ही स्मूथली हमारा काम चल रहा है, इतना प्रॉब्लम नहीं है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि वो लिमिटेशन बढ़ाए, 2000 बहुत स्मॉल अमाउंट होता है जिससे प्रॉब्लम्स होता है। एंड आई थिंक जो भी ब्लैक एंड व्हाइट वॉट एवर जो भी होता है। बिल्कुल, तो देखिए लोगों ने ये कहा कि शुरुआती वक्त में दिक्कत हुई, कुछ ना कुछ व्यवस्थाओं में कमी नजर आई, और कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल भी किया, जिस वजह से खासी परेशानी लोगों को उठानी पड़ी। लेकिन उस पर ये करारा प्रहार और ये कदम बेहद साहसिक था, इसके साथ पूरा देश जो है वो खड़ा नजर आ रहा है। 50 दिनों में सिर्फ 40 दिन बीते, 10 दिनों का वक्त मात्र बचा है, क्या कुछ बदलता है ये भी जानेंगे। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।